किसान वीरों बहनों ते भरावो मैं इत्थे हाई कोर्ट दे जज दे तौर ते रिटायर्ड जज दे तौर ते नहीं आया इत्थे मैं सुप्रीम कोर्ट दे सीनियर एडवोकेट दे तौर ते भी नहीं आया हाँ इत्थे मैं आया है किसान दा पुत होण करके और किसान खुद होण करके मैं किसान दे तौर ते इत्थे तुहाडे दरमियान आया तुहाडी सपोर्ट वास्ते तुहाडा हौसला बधाउण वास्ते और तुहाडे जिहड़े मंगा ने उन्हां नूं जायज़ ठहराउण वास्ते मैं तिन्ने कानून पढ़ के देखे ने चंगी तरह MSB लफ्ज़ का इस दे विच कोई जिक्र ही नहीं हैगा असी सुप्रीम कोर्ट लायज फोरम दे वकील साहिबान इत्थे आए ने वो सारे किसान ने वो तां करके साडे किसान वीरां दे भैणां दे विच आए ने इत्थे और ये जिहड़ी तुहाडी किसान एकता है अजे तक तुसी जिवें बिल्कुल पीसफुल इस नूं शांतिपूर्वक एजिटेशन अपना प्रोटेस्ट चला रहे हो इस वास्ते सूरे सारे दे सारे तुसी बधाई दे पात्र हो और थानू असी सारे दे सारे दिलों सलूट करते हैं धन्यवाद करते हैं थानू रब करे वाहेगुरु थोड़े उत्ते किता रखे के सारे चढ़दी कलाई च रहे और किसान एकता जिहड़ी हैगी ये सरकार नूं अपनी मजबूती दिखाण वास्ते अजे तक सफल रही है असे वाहेगुरु नूं अरदास करांगे कि थोड़ी सफलता थोड़ी मेहनत थोड़ी लगातार जिहड़ी थोड़ी एकता हैगी रंग लावे जिवें अजे तक तुसी पीसफुल बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना अभियान चलांदे आए हो अगे भी वाहेगुरु थोड़े से मेहर रखे और इस तरह ही थोड़ा पीसफुल एजिटेशन चलता रहे थोड़े इत्थे वकालत करन वास्ते असी सुप्रीम कोर्ट के बीच भी मैं इतों डिकलेयर करदा भी मैं थोड़े तो किसी तो कुछ ही किसान यूनियन तो किसी ने भी अगर मैं कहा भी थोड़े पास सुप्रीम कोर्ट के बीच किसी होर कोर्ट के बीच बहस करनी होए असी मुफत करांगे एक पैसा किसी तो नहीं लवांगे ये सारी गल्लां कहने की वजह इक्को ही है कि मैं किसान दे घर दे विच पैदा होया मैं अपने हत्था खेतों में हल चलाया होया हैगा और मैं ये भी देखदा मैं अपना तजुर्बा थानू दसना कि जिहड़ी 50 साल पहला किसान की हालत सीगी उही हालत अज है पहला भी सानू इस तरह की परेशानियों का सामना करना पैंदा सी मैं थानू एक निजी तजुर्बा दसना असी सब्जी मंडी सब्जी लैके आए ये 1977-78 की गल हैगी 3 रुपए असी दित्ती उहदे ओकटराई उहदा महसूल हुंदा सी चुंगी जिसनूं कहिंदे सी 3 रुपए उसदे उह लगे सब्जी लैके गए सब्जी मंडे भी उहदी बोली लगी 2 रुपए असी 2 रुपए उह बोली ते उह सब्जी नहीं बेची वापस लैके गंदे नाले च पलटती अज भी मैं देखदा हुशियारपुर फिरोजपुर किते नासिक देखो जिथे लोगों की सब्जी कोई टमाटर है आलू है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता नहीं जिहड़ा उहदा खेत का खर्चा हुंदा है पैदा करन दा ही नहीं मिलता उन्हें फिर रोड से ट्रॉलियां उलट के जाते हैं जमींदार आत्महत्या करना कोई सौखा कम नहीं होंदा साडे किसान भरा हर साल महाराष्ट्र के बीच पंजाब के बीच हरियाणे जिवें मरते ने वो कोई आसान कम नहीं हैगा जब चार छपेरे उसनूं अंधेरा नजर आउंदा ताई करके बंदा आत्महत्या करन दी कोई सोचदा है गल जिस तरह थोड़ी सारी डिमांड ने यह कानून वापस होने चाहिए ने क्योंकि तिन्ने कानून पास होने तो पहला पार्लियामेंट के बीच कोई डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट के कोई डिस्कशन नहीं होया और ऑर्डिनेंस लैके आना जिहड़ा कम होंदा है वो अमरजेंट सिचुएशन के बीच होंदा कोई बड़ी आपात स्थिति होए आपात हालात तो हुण सीगे बल्कि ये ऑर्डिनेंस राही तिन्ने कानून सरकार नूं वापस ले लेने चाहिए सी तो पहला ही और फिर दोबारा कानून जे लैके आने सी थोड़े सारे दे नाल डिस्कस करके सलाह मशोरा करके थोड़ी गल्लां थोड़ी राय लैके फिर कानून पास होना चाहिए सी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ा हैगा MSP उसकी कानून राही उसकी गारंटी होनी बहुत जरूरी है उन्नी जरूरी हैगी उसकी मार्केटिंग भी सरकार खरीदे प्राइवेट एजेंसी कोई सरकार दे राही खरीदे पर घट्टो घट खरीदण की भी गारंटी होनी चाहिए कि सानू कित्थे लैके जावे फसल नूं उस दे नाल नाल ए नहीं किसी कानून के बीच हैगा भी जिहड़े समझौते होणगे एग्रीमेंट होणगे
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ 90 ਤੋਂ 95% ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਚਲਾਓ ਕੋਈ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ